गुना जिले के विकासखंड गुना के अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक विद्यालय आकलोन में पदस्थ अतिथि शिक्षक देवेंद्र कुमार धाकड़ अपने रुके हुए 4 माह के मानदेय को लेने के लिए करीब 2 साल से शिक्षा विभाग के चक्कर लगा रहा है। यहां उसे हर बार आश्वासन ही सिर्फ मिलता है। ऐसी स्थिति में उसने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की तो शिक्षा अधिकारी ने संकुल प्राचार्य MLB गुना को तत्काल निराकरण कर सीएम हेल्पलाइन कटवाने के निर्देश दिए। शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार पवार ने यह चेतावनी भी दी थी कि शिकायत का निराकरण नहीं हुआ तो दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी दिनांक तक आज ना तो जांच की गई और ना ही शिकायत का निराकरण किया। दरअसल मामला यह है, अतिथि शिक्षक देवेंद्र धाकड़ ग्राम आकलून तहसील और जिला गुना के निवासी हैं। उन्होंने 2019-20 में अतिथि शिक्षक के रूप में काम किया था, जिसकी फाइल उन्होंने समय सीमा में संकुल पर जमा की, जिसके संकुल पद पर पदस्थ राजेश बाबू द्वारा 2000 रुपये की मांग की, जिसकी पूर्ति न होने पर बाबू ने फाइल ऑनलाइन नहीं की, जिससे उसका 4 महीने का मानदेय अटका हुआ है, जबकि उससे पूर्व में 5 माह के मानदेय का भुगतान हो चुका है। अब सिर्फ 4 माह के मानदेय के लिए करीब 2 साल से शिक्षा विभाग के चक्कर लगा रहा है। अतिथि शिक्षक धाकड़ ने बताया, 1-1.5 माह पहले संकुल प्रभारी को कार्यवाही के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने MLB संकुल प्राचार्य को पत्र लिखा था, लेकिन उसमें आज तक कोई जाँच नहीं हुई। अधिकारी कर्मचारी कहते हैं जाँच चल रही है। इस संबंध में अतिथि शिक्षक ने DEO के समक्ष अपनी समस्या बताते हुए मानदेय भुगतान करने की गुहार लगाई है। सर, मैंने 2019-20 में अतिथि शिक्षक पर काम किया था, जिसकी फाइल संकुल में जमा की, उसके राजेश बाबू द्वारा 2000 रुपये मांगे जाने पर उसने फाइल ऑनलाइन दी, उसका मुझे 5 महीने का भुगतान कर दिया, लेकिन 4 महीने का भुगतान बाकी है, वो अभी मेरा भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसके 2 साल हो गए मुझे चक्कर लगाते हुए परेशानी में। तो आप 2 साल से चक्कर लगा रहे हैं शिक्षा विभाग में? हाँ सर, मैंने आवेदन भी दिया, उस पर DO साहब ने कार्रवाई लिखी, वो कार्रवाई भी नहीं हुई। कार्रवाई कब लिखी थी DO साहब ने? कार्रवाई लिखी थी 5 तारीख। लगभग लगभग 1.5 महीने। 1.5 महीने किसके लिए लिखी थी कार्रवाई करना? वो लिपिक के लिए लिखी थी। क्या नाम है लिपिक? MLB संकुल प्राचार्य के नाम से। फिर कार्रवाई नहीं हुई? हाँ। अब आप यहाँ पे किस मैटर से आए? इसी के लिए आया हूँ सर, उसकी कार्रवाई की जाए और मेरा भुगतान किया जाए। कितना लेना है आपका? 4 महीने का सर। 1 महीने का कितना बनता है? 1 महीने का 5000 रुपये। 5000, तो 20000 रुपये अभी आपके करीबन बाकी है। अभी क्या कह रहे हैं साहब? ने कुछ नहीं, अभी तो कार्रवाई लिख दी है, इस पर चल रही है जाँच।